अब तानी आईपीएल ने 40-16 साल होगा और इस 16 साल में आईपीएल से लगभग 13 टीमें जुड़ गई, लेकिन आज के टाइम में आईपीएल से 10 टीमें जुड़ी हैं। तो चलो आप बात करते हैं एक एक कर सारी टीमों के बारे में। सबसे पहले आप बात करते हैं गुजरात टाइटल की टीम के बारे में। गुजरात टाइटल और लखनऊ टीम दोनों टीमें ही पिछले साल यानी 2022 में आईपीएल से जुड़ी हैं। गुजरात टाइटल पिछले साल ही आईपीएल से जुड़ी और भी साल ही ट्रॉफी जीतगी और इस साल भी गुजरात आज टीम प्लेऑफ में सबसे पहले ही पहुंचगी। इस टीम के बारे में थाना बताऊं तो इस टीम की कप्तानी भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथ में है और इस टीम को कोच आशीष नेहरा जी हैं। इस टीम के बारे में आप और बात करा तो टीम को कॉम्बिनेशन बहुत ही चौखो है। इस टीम के खिलाड़ी की बात करा तो टीम में शुभम गिल, विकेट कीपर रिद्धिमान शाह, साउथ अफ्रीका को खतरनाक बैट्समैन डेविड मिलर और अपने आपने सबसे बड़ो फिनिशर बताने राहुल टेवटे साहब भी इस टीम में ही है। इनके अलावा राशिद खान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, ओडियन स्मिथ, साई सुदर्शन जैन का भी जोर का खिलाड़ी इस टीम में। इस टीम की सबसे खास बात यह है की टीम की कप्तानी और मैनेजमेंट बहुत चौखो है। हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी बहुत ही चौखी करे और लगातार दूसरे साल आपकी टीम ने प्लेऑफ में लेगो। गुजरात आज टीम ने देखकर लग गए या टीम इस बार भी ट्रॉफी उठा ले सी। अगर इस बार भी आ टीम ट्रॉफी उठा ले सी तो यह यहाँ की पहली टीम हो सी जबकि आईपीएल में जुड़ते ही दो बार ट्रॉफी उठा ले सी। अब आप बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। लखनऊ वाली टीम भी गुजरात के साथ ही आईपीएल से जुड़ी लेकिन इस टीम को प्रदर्शन गुजरात के जाए को बिल्कुल भी कुनी। इस टीम की कप्तानी केएल राहुल कर है तो अब थे समझ ही गया होगा केएल राहुल जब पंजाबी टीम ने नियाल क्यों करो तो इन्हें की नियाल करेगा। फिर भी केएल राहुल पहले सीजन में आपकी टीम ने प्लेऑफ में जरूर लेगो लेकिन बीच या टीम बेंगलोर वाली टीम का हाथा हार गई और वापिस आ गई। लखनऊ वाली टीम में खिलाड़ी ठीक ठाक है। टीम की अगर हम बात करें तो टीम में साउथ अफ्रीका को कीपर क्विंटन डिकॉक, कुणाल पांड्या, दीपक हुडा, मार्कस स्टोनिस, यूएल लुस जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। और अगर आप बात करें बॉलिंग के बारे में तो बॉलिंग में मोहसिन खान, आवेश खान, नवीन उल हक और खतरनाक स्पिनर रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी हैं। अब आप बात करते हैं इस सीजन में टीम की हालत के बारे में तो इस सीजन में टीम को कप्तान केएल राहुल साहब तो आईपीएल से बाहर होगा और अब टीम की कप्तानी कुणाल पांड्या के हाथ में है। टीम की स्थिति फिलहाल तो प्लेऑफ में जाबर लग रही है। टीम का 15 पॉइंट हो रहे हैं और अब अगर टीम आपका अगला मैच जीत ले सी तो टीम पक्की ही प्लेऑफ में पहुंच जासी और अगर टीम आपको मैच हार जावे तो भी टीम प्लेऑफ में पहुंच सके है। यदि मुंबई या बेंगलुरु वाली कोई भी टीम एक मैच हार जावे जना तो लखनऊ वाली टीम का प्लेऑफ में पहुंचने का चांस तो लग गए है और बाकी भी की किस्मत है। अब आप बात करते हैं आईपीएल की तीसरी टीम के बारे में। भैया तो आईपीएल ट्रॉफी पंजाब और दिल्ली भी कुनी जीती लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो बेंगलोर वाली टीम की ही चाल है और इस बात की मेन वजह यह है कि टीम में विराट कोहली खेल रहे हैं। कोहली दुनिया को सबसे चौको खिलाड़ी है लेकिन यो खिलाड़ी ट्रॉफी कुनी उठा पाए। अब तक आईपीएल का 15 सीजन होगा। टीम में से आरसीबी की टीम 8 बार प्लेऑफ में गई है और बात करें फाइनल की तो आरसीबी की टीम 3 बार आईपीएल के फाइनल में जा चुकी है लेकिन 3 बार में से यह टीम 1 बार भी फाइनल नहीं जीती। इस टीम में खिलाड़ी भी चौखा ही लेकिन फिर भी टीम क्या हार जावे है पत्तो ही नहीं। टीम की बात करा तो टीम को कप्तान अब थाप डुप्लेसी है और टीम में खिलाड़ी देखे जावे तो टीम में कोहली, मैक्सवेल, कार्तिक, अनुज रावत और महिपाल लोमरोड जैसे के खिलाड़ी हैं। और अगर आप बात करें बॉलिंग के बारे में तो बॉलिंग में वेन पार्नेल, करण शर्मा, हर्षल पटेल और सिराज जैन का ठीक ठाक बॉलर है। अब अगर बात करा कि इस सीजन में इस टीम की हालत कैसी की है तो इस सीजन में टीम अभी तानी ठीक ठाक है। अगर टीम आपका खुद का बाकी का 2 मैच जीत ले सी तो टीम आराम से प्लेऑफ में चले जाती नहीं तो इस टीम ने दूसरी टीम पर निर्भर रहना पड़ेगा। वीडियो में आप बात कर सकते हैं आगे दिल्ली कैपिटल की टीम के बारे में। दिल्ली वाली टीम भी बेंगलोर की तरह ही एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। दिल्ली वाली टीम की बात करा तो इस टीम को कोच है रिकी पोंटिंग और टीम की कप्तानी डेविड वॉर्नर के हाथ में है। डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है। पिछला सीजन में कप्तानी ऋषभ पंत का नहीं लेकिन अब जब पंत ठीक कुनी हो तो कप्तानी वॉर्नर ने दे दी। दिल्ली वाली टीम अब तक खेला गया 15 सीजन में सिर्फ 6 बार ही प्लेऑफ में गई है और इन सभी 1 बार फाइनल में पहुंची है लेकिन ट्रॉफी फिर भी एक भी नहीं जीती। दिल्ली वाली टीम सिर्फ 2021 के सीजन में ही फाइनल में गई ही और भी जहाँ सीएसके का आखा आ गई वापिस आ गई। दिल्ली वाली टीम को ट्रॉफी नहीं जीतवा को सबसे बड़ो कारण यू है कि टीम ने बार बार कप्तान बदल देवे। अब तक खेला गया 15 सीजन में यह टीम 14 बार कप्तान बदल दिया और इस बार वाला सीजन भी वॉर्नर ने वो कप्तान है। बात करा इस बार वाले सीजन की तो इस बार वाला सीजन में दिल्ली की टीम बहुत सा मैच हार गई है और अब प्लेऑफ में जाने की उम्मीद न के बराबर है तो इस बार दिल्ली की टीम प्लेऑफ में कुनी पहुंच सके। दिल्ली वाली टीम इस बार आईपीएल में 13 में से 5 मैच जीते हैं तो दिल्ली वाली टीम को इस बार वाले सीजन में सफर खत्म हो गो। अब देखना पड़ेगा कि दिल्ली वाली टीम अगले सीजन में कै को प्रदर्शन करे क्योंकि अगले सीजन में ऋषभ पंत की भी वापसी हो जैसी और पंत टीम की कप्तानी करसी। अब बात करते हैं पंजाब वाली टीम के बारे में।
यह टीम भी बेंगलोर और दिल्ली की तरह अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं उठा सकी है। इस टीम की भी सबसे ज्यादा परेशान की वजह है कि बार बार कप्तान बदलना। पिछले कुछ सीजन में यह टीम बहुत बार कप्तान बदल दिया और यही की मेन वजह है कि यह टीम बार बार आईपीएल की ट्रॉफी को नहीं जीते। यह टीम अब तक खेला गया 15 सीजन में 16 बार कप्तान बदल दिया और टीम की परफॉर्मेंस भी खास कुनी। पंजाब वाली टीम पहले तो मैक्सवेल ने कप्तान रखियो और मैक्सवेल के बाद में मुरली विजय ने भी कुछ दिनों के लिए कप्तान रखियो और भी के बाद में दो सीजन तक केएल राहुल कप्तानी करी, लेकिन केएल राहुल भी कुछ खास प्रदर्शन कुन दिखा पाए। केएल राहुल के साथ साथ आर अश्विन ने भी पंजाब की कप्तानी कर ली है। पंजाब वाली टीम अब तक सिर्फ दो बार ही प्लेऑफ में पहुंची है और उनमें से एक बार फाइनल में गई है, लेकिन ट्रॉफी एक बार भी कुन जीती। इस सीजन में पंजाब वाली टीम की कमान शिखर धवन के हाथ में है, लेकिन शिखर धवन भी कुछ खास प्रदर्शन कुन दिखा पाए। पंजाब वाली टीम की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि टीम एक खिलाड़ी पर पैसा बर्बाद कर देवे। इस सीजन यह टीम सेमकरण ने बहुत ही मंगो खरीदे है और सेमकरण तो कुछ खास प्रदर्शन दिखा को नहीं पाए। हालांकि सेमकरण की टीम के लिए कप्तानी जरूर करी है और कप्तानी में कुछ थोड़ा बहुत दमखम दिखाए। ये सब तो होगा बाकी टीम की बात। अब आप बात करते हैं सबकी दिला पर राज करने वाली सीएसके टीम के बारे में। यह टीम आईपीएल में सबकी पसंदीदा टीम है। इस टीम की खास बात यह है कि टीम आपको कप्तान हमेशा ही एक ही रखी है और बिको नाम है एमएस धोनी। लेकिन पिछले सीजन में जडेजा ने जरूर टीम की कप्तान दी गई, लेकिन बिको बस की बात को नहीं रही। सीएसके आईपीएल की सबसे सफल टीम है। यह टीम अब तक खेला गया 15 सीजन में से 2 सीजन 12 रही। 2015 और 16 के सीजन में यह टीम बैन ही जिना यह टीम आईपीएल को नहीं खेला। बिको अलावा यह टीम अब तक 13 सीजन खेल लिए ही और 13 सीजन में से सबसे अच्छी बात यह है कि 11 सीजन में यह टीम प्लेऑफ में पहुंची है। सिर्फ 2020 और 22 के सीजन में यह टीम प्लेऑफ में कुनी पहुंची और इन दो साल को कारण यू है कि 2020 में आईपीएल दुबई में हुआ और 2022 में आईपीएल की टीम की कप्तानी जडेजा के हाथ में। सीएसके की टीम 11 बार प्लेऑफ में पहुंच गई है और इनमें से यह टीम 9 बार फाइनल में गई है और उसमें से भी 4 बार इस टीम ने ट्रॉफी अपने नाम करी है। यानी आसान शब्द में अपा बात करा तो सीएसके के लिए आईपीएल टावरा को खेल हो रहे। इस टीम में सबसे ज्यादा एमएस धोनी की कप्तानी जरूरी है। यही कारण है कि यह टीम सबसे चौकी खेल है और इस टीम के बारे में अफवाह बात करा तो टीम में तगड़ा तगड़ा खिलाड़ी हैं। इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़, डी कॉनवे, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मिचेल सेंटनर, अजिंक्य राणे और भी बहुत सारे जोर के खिलाड़ी हैं। सीएसके वाली टीम आईपीएल 2023 में भी चौकी स्थिति में है और लग गया है यह टीम इस बार ट्रॉफी जरूर उठा लेगी। सीएसके वाली टीम 2023 आईपीएल में भी चौकी स्थिति में है और लग गया है यह टीम इस बार ट्रॉफी जरूर उठावेगी, क्योंकि यह सीजन आईपीएल को एमएस धोनी को लास्ट सीजन है। तो सगला फैन यही चाहे है कि यो सीजन एमएस धोनी की टीम सीएसके अपने नाम करे। सीएसके के बाद में आप बात कर सकते हैं मुंबई इंडियंस वाली टीम के बारे में। यह टीम भी आईपीएल में जोर को दमखम दिखावे है और ये टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करे है। और टीम आला मालिक की बात करा तो टीम आला मालिक ने सब जाने ही है। टीम को मालिक है मुकेश अंबानी। यह टीम अब तानी खेला गया 15 सीजन में से 9 बार प्लेऑफ में गई है और 9 बार प्लेऑफ में यह टीम 6 बार फाइनल में पहुंची है। और इससे भी चौथी बात तो यह है कि यह टीम 6 बार में से 5 बार तो ट्रॉफी आपके नाम कर ली। एक बार जरूर यह टीम फाइनल से 12 हुई ही और जब इन 12 कर ही चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन बिक का बदला में यह टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही बार फाइनल से 12 कर दी। इस टीम की सबसे खास बात करा तो इस टीम में भी कप्तान को बदलाव बहुत ही कम हुए है। और टीम के खिलाड़ी के बारे में बात करा तो टीम में इस सीजन में सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही टिक रहे। यादव के अलावा टीम में खिलाड़ी की बात करा तो टीम में ईशान किशन, डेविड जैन का खतरनाक खिलाड़ी है। यहाँ तो सगा सीजन में ही बढ़िया खेल दिखावा है। अब अगर बात करें इस सीजन के बारे में तो इस सीजन में टीम पहले तो लगभग 12 होगी, लेकिन बीच आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने तहल को मचा दियो और सूर्य कुमार यादव ने आपके अपने दम पर 3-4 मैच में 200 प्लस स्कोर चेज कर लियो और भी में सूर्य कुमार यादव को एक जोर को शतक भी शामिल है। अब थे इस बात ना यही देख सको कि पिछले मैच में जब सूर्य कुमार यादव पहले आउट हो गो तो टीम मैच आ गई। अब अगर मैं थाने बताऊं तो मुंबई की टीम ने इस सीजन में 20 आईपीएल में सूर्य कुमार यादव वापसी कराई है और अब तो प्लेऑफ में भी पूछवाली हो रही है। तो थाने के लग गए कि मुंबई वाली टीम इस बार प्लेऑफ में पूछ सके है कि अगर मुंबई वाली टीम अब एक भी मैच हार जाएगी तो प्लेऑफ में कौन पूछे, और अगर मुंबई वाली टीम प्लेऑफ में पूछगी और फाइनल की ट्रॉफी भी जीत लेगी तो यह टीम सबसे ज्यादा 6 बार ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। चलो अब बात करते हैं माली टीम के बारे में, यानी कि राजस्थान रॉयल की टीम के बारे में। जी हाँ, राजस्थान रॉयल अपनी ही घरेलू टीम है। अब इस टीम के बारे में बात करा तो थाना के बताऊं, क्योंकि आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम की अगर आप बात करा तो राजस्थान रॉयल्स ही है। इस टीम में यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, देवदत्त पांडिकल, संजू सैमसन और सबसे खतरनाक खिलाड़ी रियान पराग, बाकी सागर सागर बॉलिंग में अश्विन, चहल, ट्रेट बोल्ट, संदीप शर्मा और जेनसन ओल्डर जैसा सूरमा शामिल है।
लेकिन फिर भी टीम की कहानी खराब ही है, या टीम बदकिस्मती से आईपीएल को पहले टाइटल जरूर जीतते हो लेकिन बिग के बाद में इस टीम से कोई भी उम्मीद को नहीं करी, या टीम पहले सीजन जीतते हो लेकिन बिग के बाद में कुछ भी को नहीं उखाड़ सकी है। अब तक खेला गया आईपीएल का 15 सीजन में से 2 सीजन में या टीम ओसीएस की तरह या टीम भी 2016 और 2017 में बैन रही। बिग के अलावा अब तक खेला गया 13 सीजन में से यह टीम 5 सीजन में प्लेऑफ में गई है, और अगर बात करें फाइनल के बारे में तो उनमें से यह टीम 2 बार फाइनल में पहुंची है। पहले सीजन में यह टीम फाइनल में गई ही और भी सीजन यह टीम फाइनल जीत की ट्रॉफी अपने नाम करी, लेकिन पिछले सीजन 2022 में यह टीम फाइनल में गई ही लेकिन बीजा गुजरात टाइटल का अथा आरती वापस आ गई। तो इस बार इस टीम से कुछ उम्मीद ही, लेकिन इस सीजन में यह टीम आपको चोखो प्रदर्शन कौन दिखायो और बार बार लगातार नजदीकी मैच भी आरगी। एक मैच में तो यह टीम हारियो, एक मैच में तो यह टीम जीतते हुए मैच भी आरगी, बी मैच में यह टीम जीतगी ही लेकिन लास्ट में संदीप शर्मा की 9 बोल ने वो मैच हरा दियो। तो इस सीजन तो यह टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठा नहीं सके, अब माने तो उम्मीद है कि अगले सीजन में टीम वापसी करेगी और आईपीएल की ट्रॉफी आपके नाम करेगी। अगली टीम के बारे में अगर आप बात करें तो भी टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम का मालिक ने तो सब जानो ही हो, नाम है शाहरुख खान। यह टीम भैया तो ठीक ठाक है लेकिन टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है कप्तानी। यह टीम भी पंजाब और दिल्ली की तरह ही बार बार कप्तान बदला है और इसी कारण से इस टीम ने बार बार हार को मुंह देखना पड़ा है। कोलकाता की अब की टीम को कप्तान नीतीश राणा जी हैं। भैया टीम को कप्तान सुरेश अय्यर हो लेकिन अय्यर साहब चोट की वजह से आईपीएल दोबारा होगा और जना कप्तानी नीतीश राणा ने दे दी। कोलकाता की टीम इस सीजन में कुछ खास कौन दिखायो लेकिन कुछ मैच में यह टीम जरूर खास प्रदर्शन दिखाए हो। एक मैच जो किसने याद ही है, बिम रिंकू सिंह ने 5 छक्का मारा, वो मैच हो गुजरात के खिलाफ, और बी मैच में लास्ट ओवर में चाहा 31 रन और पहली बॉल पे उमेश यादव लियो 1 रन और अगली 5 बॉल में रिंकू सिंह ने दर्ज दिया 5 छक्का, और बी मैच के बाद में रिंकू सिंह को तगड़ो नाम हो गो और कोलकाता नाइट राइडर्स भी प्ले ऑफ की रेस में बन गई ही। लेकिन बाद में यह टीम अगला मैच हारगी और प्ले ऑफ की रेस से लगभग 12 होगी। रिंकू सिंह ने जरूर आपके दम पर कुछ मैच जिताया लेकिन बाद में भी यह टीम प्लेऑफ में कोई पूछ सके। अब बात करें इस टीम को इतिहास के बारे में तो यह टीम अब तक खेला गया 15 सीजन में से 5 बार प्लेऑफ में गई है और इन 5 प्लेऑफ में से यह टीम 3 बार फाइनल में भी जा चुकी है, लेकिन टीम के नाम सिर्फ 2 ही ट्रॉफी हैं। जो चोखो काम है कि 3 बार फाइनल में जाए बाद में भी 2 ट्रॉफी आपके नाम कर ली। कोलकाता वाली टीम 2 बार ट्रॉफी आपके नाम करी ही और ये 2 ट्रॉफी 2012 और 2014 के सीजन में आपके नाम करी और दोनों ट्रॉफी ही गौतम गंभीर की देन है। कोलकाता वाली टीम में प्लेयर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जय का धुआंधार खिलाड़ी हैं। फिर भी टीम ने बार बार हार को मुंह देखना पड़ा है, और अगर बात करें इस सीजन में तो इस सीजन में यह टीम कुछ खास प्रदर्शन कौन दिखा पाई। आईपीएल 2023 से 12 हो चुकी है। टीम के 12 ओन को सबसे मेन वजह है इको नियमित कप्तान सुरेश अय्यर चोटिल होने के कारण टीम से 12 हो गो। इस टीम में 2 सबसे अच्छों का खिलाड़ी है और वे ही वेस्ट इंडीज का ऑलराउंडर। पहला को नाम है आंद्रे रसेल इस साल टीम पर लगभग बहुत से बन गए क्योंकि आंद्रे रसेल इस सीजन बॉलिंग को नहीं करी और हो सके तो 1-2 मैच में जरूर बॉलिंग करी होगी लेकिन इस सीजन में बॉलिंग से इतना दमखम कौन दिखायो, और यू ही कारण है कि आंद्रे रसेल टीम का ज्यादा काम कौन आ सके और बैटिंग में भी दमखम कौन दिखायो। और जब भी कोलकाता की टीम में आंद्रे रसेल जाएगा प्लेयर दमखम कौन दिखावे तब यह टीम 12 हो जावे। और एक बार में दूसरा नाम है सुनील नारायण को। नारायण साहब ने दो तीन साल पहले जरूर टीम में ओपनिंग करी ही और जब यो खिलाड़ी टीम का काम भी आए हो। अब तो सुनील नारायण सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में ही टीम का काम आवे है लेकिन बैटिंग में यो खिलाड़ी इतना कुछ खास प्रदर्शन कौन दिखा पाए हो जिसकी वजह से यह टीम लगभग 12 होगी। अब 2023 के सीजन में तो यह टीम 12 होगी। उम्मीद है कि अगले सीजन में यह टीम वापसी करेगी और ट्रॉफी अपने नाम करेगी। अब आप बात करते हैं हैदराबाद की टीम के बारे में। आईपीएल में मेरे हिसाब से सबसे कम फैन शायद हैदराबाद वाली टीम का ही है। हैदराबाद वाली टीम को वर्तमान में कप्तान एडम मार्करम है और इस टीम की भी सबसे बड़ी परेशानी मेरे हिसाब से कप्तानी है। यह टीम बार बार आपको कप्तान बदलती रहे। पिछले सीजन इस टीम की कप्तानी भुवनेश्वर कुमार की और इस सीजन इस टीम की कप्तानी एडम मार्करम के हाथ में आ गई। हालांकि आज से 2 साल पहले तक यह टीम थोड़ी ठीक ठाक थी क्योंकि तब इसकी कप्तानी डेविड वॉर्नर के हाथ में ही और वॉर्नर साहब ने इस टीम ने बहुत कुछ करके दिए हो, और वॉर्नर के बाद में इस टीम की कप्तानी केन विलियमसन के हाथ में गई और विलियमसन भी इस टीम ने एक बार फाइनल में जरूर ले गए हो लेकिन फाइनल में यह टीम सीएसके के आधा हार गई
और वापस आ गई। लेकिन फिर भी केन विलियमसन और डेविड वॉर्नर ने इस टीम के लिए बहुत ही चोखो काम करे हो, लेकिन फिर भी यह टीम बाद दोनों खिलाड़ियों ने आपकी टीम से बाहर कर दिया और यही इस टीम की सबसे बड़ी गलती रही। हैदराबाद आली टीम अब तक खेला गया 15 सीजन में से 10 सीजन ही खेले ही। इससे पहले हैदराबाद आली टीम की जगह एक नई टीम डेक्कन चार्जर थी और डेक्कन चार्जर्स एक बार तो आईपीएल का खिताब भी आपके नाम करे हो और बाद में डेक्कन चार्जर्स की जगह 2013-14 में हैदराबाद आली टीम जुड़ गई। हैदराबाद आली टीम अब तक सिर्फ 10 सीजन ही खेले और उनमें से 5 सीजन में यह टीम प्लेऑफ में पहुंची है। हैदराबाद आली टीम 5 में से 2 बार फाइनल में भी गई है और एक बार तो यह टीम ट्रॉफी भी अपने नाम करी है। यह टीम 2016 को सीजन आपके नाम करे हो और ट्रॉफी अपने नाम उठाई है। बीच के अलावा एक बार फाइनल में और भी गई, लेकिन जद यह फाइनल से 12 होगी। हैदराबाद आली टीम में अगर अब खिलाड़ी की बात करें तो इस टीम में अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडम मार्करम, ग्लेन फिलिप्स और क्लासेन जय का जोर का खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी यह टीम इस सीजन में तो आईपीएल से 12 ही होगी और इस सीजन में यह टीम 2023 में पहले ही 12 होगी और अब इस टीम का प्लेऑफ में पूछना की कोई भी उम्मीद को नहीं। तो अब इस टीम को सफर इस साल तो खत्म हो गो, लेकिन देखी जासी कि अगले साल यह टीम आपको कह को प्रदर्शन दिखावा है। तो आज आप बात करिए आईपीएल की 10 टीमों के बारे में। इन 10 टीमों की जो भी सूचना जानकारी मैंने मिली वह मैं थार तक पहुंचा दी है, और भी अगर इन टीमों के बारे में कोई जानकारी लगी तो के बारे में आप बात करें अगले वीडियो के बारे में, क्योंकि यह वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुकी है। फिर भी मैं इस वीडियो में थाने सबकी सब 10 टीमों के बारे में बताने की पूरी कोशिश करी है। अब अगर बात करें इन 10 टीमों में से सबसे सफल टीम कौन सी है, तो अगर ट्रॉफी के मामला में देखा तो सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी अपने नाम करी। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस से सफल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अब तक खेला गया 13 सीजन में से 11 सीजन में प्लेऑफ में पहुंच गई है और उनमें सभी 9 में बा फाइनल में गेड़ी है। और यह चेन्नई सुपर किंग्स की बदकिस्मती रही कि 9 में से चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार फाइनल में हार चुकी है और 5 बार भी मुंबई इंडियंस का आता तो 2-3 बार लगभग चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है। तो भैया देखो जावे तो चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस से ज्यादा बार फाइनल में गेड़ी है, लेकिन ट्रॉफी का मामला में एक ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स कम है जो कि इस बार आईपीएल में पूर्ति हो जाएगी। मेरी फेवरेट टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स है और थारी टीम को नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। और अगर थाने ये वीडियो पसंद आयो है तो इस वीडियो ने थारे भाई लाकन भेजियो और वीडियो ने लाइक करियो और इस चैनल ने सब्सक्राइब करो ताकि थारो सपोर्ट माने मिल सके।